हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। यहां बातें करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स की, उनकी सॉल्यूशंस की, और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो गया है या फिर अभी 1.5-2 हफ्ते बचे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि जो डॉक्टर ने आपको डेट दी थी वो तो नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, बट अभी हमारे नेचुरल पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, कब तक होगी हमारी डिलीवरी? क्योंकि ऐसा होता है कि जब घर में महिला की डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो घर के हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होने लगता है कि कब डिलीवरी होगी, कब बच्चा इस दुनिया में आएगा। और स्पेशली जब आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है और फर्स्ट टाइम आप पेरेंट्स बनने जा रहे हैं तो बेसब्री बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने की जो खुशी होती है, बाकी तो जब भी आप पेरेंट बनेंगे खुशी उतनी ही होती है हर बार, लेकिन पहली बार जो मम्मी और पापा बनने का जो खुशी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो अगर ये आपकी फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी होने जा रही है और अभी तक आपको नेचुरल पेन नहीं आए हैं और आप सोच रही हैं कि कब पेन आएगा, कैसे मुझे पता चलेगा, कौन सा वो दिन होगा जब मेरी डिलीवरी होगी, तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने जा रही हूँ वो है आपकी नाभि से रिलेटेड। आपकी जो नाभि है वो आपको बताएगी कि आपकी डिलीवरी में भी कितने दिन बचे हुए हैं, क्योंकि ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बता रही हूँ। गर्भवती महिला की जो नाभि होती है, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उस टाइम पे ये नाभि आपकी बिल्कुल अंदर होती है, जैसे कि नॉर्मली सबकी होती है। लेकिन जैसे 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 प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे 9 मंथ कंप्लीट होने की तरफ आते हैं, आप नोटिस करें कि आपकी नाभि जो है वो धीरे धीरे पूरे टाइम बाहर निकल की तरफ आने लगती है। और जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं वो नाभि जो है पूरी तरह से आपकी बाहर दिखने लगती है, उसमें होल बिल्कुल नहीं रह जाता, पूरी नाभि बाहर आ जाती है, दिखने लगती है वो एकदम क्लियरली। अब आप ये कैसे जानेंगे कि मेरी डिलीवरी में कितने दिन बचे हैं? तो ये जो नाभि है आपकी, जब ये पूरी तरह से उभर के एकदम ऊपर आ जाए, जैसा लगे कि बस ये पेट के ऊपर एक रखी हुई है, छोटी सी गांठ जैसी है कोई, जो एकदम से पेट के ऊपर बस रखी हुई है, जब इस तरह का शेप आ जाए, उसमें आपकी नाभि में बिल्कुल भी होल ना दिखाई दे, वो पूरी बाहर की तरफ पूरी की तरह उभर के आ जाए, बस समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी का जो समय है वो बस एकदम आसपास है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2-4 दिन में हो सकता है आपको नेचुरल पेन आ जाए, या फिर डॉक्टर ही कह दे कि अब आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, बेबी पूरा मैच्योर हो चुका है, अब आपको डिलीवरी करानी ही पड़ेगी। ये नाभि ही बताती है, क्योंकि ये नाभि आपकी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है, और जब बेबी पूरा मैच्योर हो जाता है और जब बेबी के दुनिया में आने का समय हो जाता है तो ये नाभि पूरी तरह से एकदम उभर के ऊपर आ जाती है, इससे बिल्कुल भी होल नहीं रहता है, ये जैसा लगता है कि बस ऊपर से रखी हुई है, एकदम ऐसा शेप हो जाता है नाभि का। तो इसी से पता चल जाता है कि अब आपकी डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हो सकता है हफ्ते भर से कम ही समय में आपको डिलीवरी अपनी करानी पड़े, या तो वो नेचुरल पेन के साथ हो जाएगी या तो फिर डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आपको अर्जेंट डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो आप भी अपनी नाभि को देखिए और समझिए कि उसमें अभी कितना टाइम बचा है, क्या वो पूरी तरह से ऊपर आ चुकी है या अभी आप और 1-1.5 हफ्ते का इंतज़ार करना आपको बाकी है। मेरी डिलीवरी के टाइम क्या हुआ था कि मेरी नाभि जो थी वो पूरी तरह से ऊपर आ चुकी थी, लेकिन मुझे नेचुरल पेन नहीं आ रहा था, मेरी जो डेट थी वो पास आउट हो चुकी थी, डॉक्टर ने जो डेट दी थी वो भी पास होने के नज़दीक आ चुकी थी, 1-2 दिन बस बचा था, और डिलीवरी जो है वो नेचुरल पेन नहीं आ रहा था, डिलीवरी का बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था क्योंकि मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। जब डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी प्रेगनेंसी पूरी मैच्योर हो चुकी है, 41 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है, जो आइडियल प्रेगनेंसी होती है वो 40 हफ्ते की होती है, बट जब हम प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर रहे होते हैं तो हम 1-2 हफ्ता ज़्यादा आगे चल के लेते हैं, तो 41 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है बट नेचुरल पेन नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे अर्जेंटली सिजेरियन डिलीवरी करानी ही पड़ी क्योंकि बेबी पूरा मैच्योर हो चुका था। तो ये नाभि से भी आप जान सकते हैं कि अब आपके पास और कितना समय बचा हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, और घर की हमारी जो बड़ी महिलाएं हैं वो भी नाभि देख करके बता देती हैं कि अभी आपकी डिलीवरी में और कितना समय बचा है। तो आप भी अपनी नाभि देखिए और गेस लगाइए कि अभी आपकी डिलीवरी में कितना समय बचा है। और वीडियो कैसा लगा, आपको ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नई और बेहद खास जानकारी के साथ, और अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रतिभा666। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी से कनेक्टेड रहिए।